आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी और पर्यावरण मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपनी मौजूदगी दी, साथ ही जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निकारण करने की अपने वादे को पूरा करने की बात कही। साथ ही किसानों की कर्ज माफी को लेकर भी शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किसानों की सिंचाई समस्या यात्रा को लेकर भी कहा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में जाने की अटकलों को लेकर मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का एक विंग अफवाह फैलाने का काम करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद पार्टी के अध्यक्ष से बड़ा कद है, उनको बड़ी जवाबदारी भी मिली हुई है। महाराष्ट्र स्क्रीनिंग कमेटी के वे चेयरमैन हैं। मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कैमरे के सामने बाला बच्चन को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की पैरवी भी की। मेरी मानसिकता ऐसी है कि बाला बच्चन गृह मंत्री का पद भी रखें और प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें ही बनाया जाए, ताकि सत्ता और संगठन का तालमेल बखूबी चल सके। प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पार्टी में किचतान की बात से मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने इनकार कर दिया है। रोड पे निकल कर किसानों के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि आपका आपका निशाना शिवराज सिंह चौहान पे है क्या? मेरा सीधा निशाना शिवराज चौहान जी, जो 15 साल इस प्रदेश का मुखिया रहा, मुख्यमंत्री। नीचा करो ना, अब कोई काम होता नहीं तो सड़कों पे निकल के सड़कों पे टेंट लगाते हैं, वही 50 लोग फोलो इकट्ठे हो जाए, भाषण बोलते हैं। अरे तुमने वादा किया था 3 चुनाव में हर किसान का 50,000 का कर्जा माफ करेंगे, तुमने फूटी कोड़ी किसान की माफ नहीं करी, फिर तुम्हारे को अधिकार किसने दिया कि कांग्रेस की सरकार से आप ये पूछो किसानों के कर्ज के बारे में? कमलनाथ की सरकार ने 48 लाख किसानों में से 20 लाख किसानों का कर्जा अभी तक माफ किया है, इतने ही किसानों का अभी 15 लाख का इस किस्त में फिर माफ हो रहा है। आपको तो पूछने वाला मुख्यमंत्री रहा हमारा पुराना। आपको लगता है कि जिस तरह से अब जो शिविर लगाए जा रहे हैं और सारे अधिकारी भी मौजूद हैं, जल्दी निपटारा होगा और 20 दिन के निर्देश भी? 20 दिन के अंदर अधिकतम समस्याओं का निराकरण होगा। जो पाल स्तर की है वो हम लेके जाएंगे, हमारी कोशिश होगी कि वो जो समस्या वहाँ की वहाँ निपटे, लेकिन जिले लेवल की समस्या 20 दिन के पहले पहले निपटाना ये कड़क निर्देश अधिकारी। भैया एक अहम सवाल है, भैया एक अहम सवाल है कि आज सुबह से सोशल मीडिया पर खबर भी चल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने बोला कि अगर मुझे प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया तो मैं जो है पार्टी छोड़ दूँगा। भाजपा का एक विंग अफवाह फैलाने का काम करता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह की बातों में विश्वास नहीं रखते। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद एक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से बड़ा कद है। इस समय हमारी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव है, उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य का उन्हें वो मिला हुआ है प्रभार, और महाराष्ट्र जैसा बड़ा राज्य जहाँ विधानसभा के चुनाव है, कांग्रेस जिन विधायकों को टिकट देना चाहती है उसकी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन है, बड़े बड़े नेता उनके अंडर में, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे हैं, तो उन्हें जवाबदारी बड़ी मिली हुई है। उनका कद एक प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा है। भैया उनके जो समर्थक हैं वो भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं PCC के बाहर, वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के, तो प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा आपका? मैं फिर बोल रहा हूँ कि कद एक प्रदेश के अध्यक्ष से ज़्यादा बड़ा है। मेरी नज़र में बाला बच्चन हमारे सीनियर लीडर हैं आदिवासियों के, हमारी 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी है, 30 आदिवासी विधायक कांग्रेस के जीत गए हैं, एक बड़ी भूमिका आदिवासी विधायक भाइयों की सरकार को बनाने में है। तो मेरी मानसिकता ऐसी है कि गृह मंत्री का पद भी साथ में रखें, प्रदेश अध्यक्ष बाला बच्चन को बनाए। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।